हेलो मिस्टर चटर्जी, आप जल्दी से प्रगति के घर आ जाइए, वो फिर से वायलेंट हो गई है। उस पलंग के आसपास जो दायरा मैंने बनाया है, उस दायरे के भीतर, उस दायरे को लांग के कोई नहीं जाएगा। ठीक है, मैं अभी वहां हाजिर होता हूं। ओके इंस्पेक्टर मिश्रा, वेदांत के कातिल का सबूत आप ढूंढ नहीं सके, लेकिन प्रगति की बेगुनाही का सबूत मैं आपको अभी दे सकता हूं। निकिता, निकिता प्रगति ठीक हो जाएगी ना? आंटी, प्रगति ठीक हो जाएगी, हम सब हैं ना, और फिर मिस्टर चैटर्जी भी आते होंगे। आंटी प्लीज, आप मेरी बात को बुरा मत मानिए, लेकिन जब तक प्रगति निशा के चंगुल से छूट नहीं जाती, आप उसके नजदीक नहीं जाएंगे। निशा कुछ भी कर सकती है, देखा नहीं आज आपके और निकिता की जान भी जा सकती थी। हाँ आंटी, कुशाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर उस वक्त मैंने प्रगति के चेहरे पर गंगा जल नहीं छिड़का होता तो कुछ भी हो सकता था। जानती हूँ, सब जानती हूँ, पर क्या करूं, ना होने बेटी का दर्द देखा नहीं जाता, मुझे माफ कर दो निकिता, मेरी वजह से तुम लोगों को। बस आंटी, अब और कुछ मत कहिए, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप नहीं, हम जिम्मेदार हैं। कुशाल, इसमें इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुशाल, मैं इंस्पेक्टर मिश्रा को अपने साथ लाया हूं। प्रगति कहाँ है? प्रगति अपने कमरे में है, कुछ भी कीजिए पर, और मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, चलिए। मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, वो शैतानी आत्मा निशा बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, वो आप लोगों के इमोशंस का फायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। आप यहीं रुकिए। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा। तू फिर आ गया? क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पे तुला हुआ है? मैं इन सबके साथ साथ तुझे भी तबाह कर दूंगी। तो अपनी फिक्र कर, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे बर्बाद करता है। तू वक्त का इंतजार करता रह जाएगा और मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगी। जा, जो करना है कर, तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। क्या करने वाली है तू प्रगति के साथ? क्यों उसके पीछे पड़ी है तू, बता। डर गया क्या तू? इतना भी नहीं जानता कि अगर एक रूह इंसानी जिस्म में 24 घंटे से ज्यादा रहे तो वो जिस्म उस रूह का हो जाता है। मैंने बॉबी के साथ भी यही किया था। तू भी एक लड़की थी, एक माँ थी, एक बेटी थी। आज मैं तुझे कहता हूं, छोड़ दे प्रगति को, बख्श दे से। वही तो कर रही थी मैं, इन सबको आसान मौत देना चाहती थी, लेकिन तू बीच में आ गया। और वैसे भी रू ना माँ होती है ना बेटी, रू तो सिर्फ रू होती है। जा, तेरे पास 24 घंटे हैं, उसके बाद प्रगति का शरीर मेरा हो जाएगा और फिर मैं उसका वही हश्र करूंगी जो मैंने बॉबी का किया था। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मिस्टर चटर्जी है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान करे बेटा सब ठीक हो जाए।
क्या हुआ प्रगति को? प्रगति ठीक तो है ना? निशा ने प्रगति को छोड़ दिया? वो शैतानी आत्मा निशा प्रगति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। मिस्टर चैटर्जी, आप जल्दी से कुछ कीजिए, वरना प्रगति के साथ वो ना हो जो बॉबी के साथ हुआ है। मेरा विश्वास करो कुशाल, प्रगति को कुछ नहीं होगा। उस ईश्वर शक्ति पे विश्वास करो कुशाल। मैं ब्रह्म मुहूर्त में शुभ पूजा का आरंभ करूंगा। वही ईश्वर शक्ति जिसने आज तक भटकती हुई शैतानी रूहों को सही रास्ता दिखाया है। चटर्जी साहब, अब जो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। मैं किसी पे एहसान नहीं करता, उसने मुझे आपसे मिलाया। वही ईश्वर शक्ति मुझे आगे भी रास्ता दिखाएगी। इंस्पेक्टर मिश्रा, अब तो आपको विश्वास हो गया ये बच्चे मासूम हैं? हाँ मिस्टर चटर्जी, आज अपनी आंखों से देखने के बाद मेरे मन में जितने भी शक थे सब दूर हो गए। इन बच्चों को बचाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। सबसे पहले मुझे दिग्विजय सिंह से मुलाकात करनी है। पूजा आरंभ करने से पहले मैं दिग्विजय सिंह से मिलना चाहता हूं। इंस्पेक्टर मिश्रा, मिला सकते हैं? कौन दिग्विजय? मालेगांव की हवेली का मालिक। लेकिन निशा ने तो हमसे कहा था कि वो मर चुके हैं। झूठ बोला। उस शैतानी आत्मा ने आप सब लोगों को भटकाने की कोशिश की। मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इन सारी घटनाओं का दिग्विजय सिंह से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मतलब ये हवेली मैंने प्रेत आत्मा से खरीदी? क्या मतलब दिग्विजय, तुम कहना क्या चाहते? मालेगांव की हवेली कोई मेरी पुश्तैनी हवेली नहीं, बल्कि इसे मैंने निशा जी से खरीदा है। निशा इस हवेली की पुरानी मालकिन। इसका मतलब ये हुआ ये निशा की सोची समझी साजिश। पहले उसने यह हवेली दिग्विजय को बेची, फिर ऐसे हालात क्रिएट किए कि पूर्णिमा की रात को ही ये सात उस हवेली में आए और फिर एक एक की मौत। लेकिन निशा मुझसे क्या चाहती है? उसने मुझे इस चक्रव्यूह में क्यों फंसाया? वो मुझे मारना तो नहीं चाहते? हो सकता है, लेकिन आपको मारने के लिए उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? वो आपको तभी खत्म कर सकती थी जब आप हवेली का सौदा करने आए थे। फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है और उसने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? कहीं वो इन सातों को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती? हालात को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसका मकसद सिर्फ आप सात लोगों को मारना ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे? तुम लोग निशा को पहले से ही जानते थे ना? नहीं, हम कुछ छुपा नहीं रहे आपसे, बल्कि निशा से तो हमें आंटी ने ही मिलाया था। कोई राज तो जरूर निशा की इस साजिश के पीछे कोई ना कोई मकसद है, लेकिन क्या? अब समझ में आया तुम मुझे मिलने क्यों? तुम्हें इस तांत्रिक ने बचा लिया दिग्विजय। पहले इस प्रगति से तो निपट लूं, फिर मैं तुम्हें भी देखूंगी। देखती हूँ मेरे हाथों से कब तक बचते हो, देखती हूँ कहाँ जाओगे।
कब तक बचोगे मुझसे? ओम भूर्भुवः स्वः सर्वतः वर्णिनः तू कुछ भी कर ले तांत्रिक, मैं प्रगति को मारे बिना उसका शरीर नहीं छोड़ूंगी। तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा शैतानी आत्मा। गंगा जल छिड़कते ही तू इस बोतल में कैद होने पे मजबूर हो जाएगी। क्यों झूठे दिलासे दे रहा है इनको तांत्रिक? इन्हें बता के नहीं देता कि मैं एक एक करके इन सब की जान ले लूंगी। लोग बिल्कुल मत घबराइए, निशा अब चली गई, वो आप लोगों के शरीर छू तक नहीं सकती। ये चार कड़े हैं, जब तक ये कड़े आप लोगों के शरीर को लगे हुए, निशा आपका बाल भी बांका नहीं कर सके।
डरने की कोई बात नहीं, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, इसीलिए तो तुम अब तक जिंदा हो। जिन लोगों ने बिगाड़ा है उनसे बदला तुम्हें ले ही रही हूं। मुझे जाने दो, मैं फिर कभी उन लोगों से नहीं मिलूंगा, मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा। रुक जा, तुम नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत है। नहीं, सिर्फ कुछ समय के लिए। प्लीज नहीं। डरो मत, तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन मुझे मेरा मकसद पूरा करने के लिए नहीं, ये करना ही होगा। प्लीज नहीं। कैसे हो वेदांत? नहीं प्रगति, आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं, और हमें तो निशा से एक लड़ाई लड़नी है, अपने लिए, अपने उन दोस्तों के लिए जिन्हें निशा ने हमसे छीन लिया। वेदांत, हम तुमसे एक प्रॉमिस करते हैं कि हम निशा से डरेंगे नहीं, बल्कि साथ उसका मुकाबला करेंगे। और यकीन मानो, तुम तीनों कहीं भी हो, हमारा साथ जरूर दोगे। हाँ वेदांत, हम साथ दोस्त थे और साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। इतनी कोशिशों के बावजूद उसका जादू कम नहीं हुआ। ये डायरी फिर भी थोड़ी थोड़ी पढ़ी जा रही। क्या लिखा है इस डायरी में? जिसका मुझे डर था वही लिखा हुआ है। श्राद्ध पक्ष में सात लोगों की बलि चढ़ाने से भटकती रूह की आत्मा को शांति दे। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ
उसने आप लोगों को भटकाने के लिए ये झूठी कहानी का गठन किया है। वो बदला लेना चाहती है। अब क्या होगा? हमें इस कहानी की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर निशा इन्हीं सात लोगों को क्यों मारना चाहती है, क्या आखिर निशा इन्हीं सात लोगों के पीछे क्यों पड़ी है, क्या रिश्ता है इन सात लोगों में, निशा में और मालेगांव की हवेली में, क्या रिश्ता है। मजाक बंद कर यार, और एक जरूरी बात सुन, प्रगति के बारे में मुझे प्रगति से बात करनी है। वो तो पहले भी 50 टाइम कर चुका है, क्या फायदा, उसका जवाब ना ही होगा। मुझे नहीं लगता वो ना कहेगी, इस बार तो ना नहीं कहेगी। हो सकता है तेरी बात सच हो, और वैसे भी अपनी ऐसी किस्मत कहाँ कि किसी के इश्क विश में पड़े, और वैसे भी इश्क का चक्कर हमें समझ में नहीं आता। यार तू गलत आदमी की राय ले रहा है, तू वही कर जो तेरा दिल करे, ठीक है? मैं जरा पॉपकॉर्न लेके आया। और इस बार दिल कह रहा है कि वहां ही कहेगी। कैसी तबीयत है? ठीक है, बस थोड़ी वीकनेस है। निकी, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कुशाल के साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। तू बेकार की बातें सोचकर अपनी टेंशन क्यों बढ़ा रही है? तूने किसी पर कोई ज्यादती नहीं की है, और अगर की भी हो तो कुशाल हमारा दोस्त है और दोस्ती में सब कुछ चलता है। नहीं निकी, ये बात दोस्ती की नहीं है, मैंने उसके फीलिंग्स को हर्ट किया है, उसे समझने की कभी भी कोशिश नहीं की। शायद मैं उसे वेदांत का बदला ले रही थी। मतलब? वेदांत मुझे हर्ट करता और मैं कुशाल को। लेकिन निकी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। प्रगति, तू कुशाल को पसंद करने लगी है, हालात ने तुम दोनों को एक दूसरे के इतना करीब ला दिया है। देख, देर मत कर, कुशाल को बता दे कि तू उसे पसंद करती है। नहीं, ये सच नहीं है। तू क्यों अपने आप को बहला रही है? प्रगति, जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए तू ज्यादा मत सोच और कुशाल से अपने दिल की बात कह दे, वरना बाद में पछताने के सिवाय तेरे पास और कुछ नहीं बचेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा।
चले जी, मैं दिग्विजय कुमार बोल रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे निशा यहीं पे, मेरे आसपास। घबराइए मत दिग्विजय जी, निशा आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। दरअसल वो आपको मारना नहीं चाहती, वो आपको इस्तेमाल करना चाहती है अपने मकसद में कामयाब होने के लिए। जो भी हो, मुझे हमेशा डर लगा रहता है जैसे निशा मुझे मारने वाली है। क्या आप मेरे घर आके मेरी सुरक्षा का कोई भी उपाय कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, घबराइए मत दिग्विजय जी, मैं थोड़ी ही देर में आपके पास आता हूँ और आपको कुछ नहीं होगा। थैंक्स मिस्टर चटर्जी। मुझे देर हो गई, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? हाँ लेकिन चलेगा, वो क्या है ना, पहली बार मुझे किसी लड़की ने बुलाया है और वो भी अकेले। ये क्या बोल रहा है तू? मैंने तुझे डेट पे नहीं बुलाया है, बल्कि प्रगति और कुशाल के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। और वैसे भी मैं उसे नहीं बुला सकती जो मेरी जिंदगी का हिस्सा था। I'm sorry, मैं तो ऐसे ही खुश हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरे फीलिंग्स से मत खेलना। हो गया, अब हम काम की बातें करें। आए हैं तो कर लेते हैं। हैरी मुझे लगता है कि प्रगति कुशाल को पसंद करने लगी है। हाँ, कुशाल को भी ऐसा ही लगता है। मतलब कुशाल ने तुमसे खुद कहा? नहीं तो क्या, मैं अपने मन से कह रहा हूँ। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, बस दोनों को मिलवाने की जरूरत है ना? अच्छी बात है। तुम कॉफी पियोगी? मिस्टर चटर्जी प्लीज आइए, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसा ही लग रहा है दिग्विजय, यहां कुछ गड़बड़ जरूर। वो शैतानी प्रेत आत्मा, इसे मैं अपने बहुत करीब महसूस कर सकता हूं। प्लीज आप कुछ कीजिए, मुझे हर पल निशा का डर लगा जा रहा है। पता नहीं वो कब क्या कर दे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है दिग्विजय, ये अपने हाथों में पहन लो दिग्विजय। ये क्या है? कड़ा है, कड़ा। मैंने मंत्रोच्चारण से इसे शक्तिशाली कर दिया है, जब तक ये तुम्हारे शरीर में तुम्हारे साथ लगा रहेगा वो शैतानी प्रेतात्मा, तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगी, तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकेगी। ये लो। अब क्या हुआ? जाना यार, मेरे लिए फूल लाना यार। बे तू ठीक है ना? पहले तो बोल रहा है क्लब चल, अब बोल रहा है फूल के लिए रुक, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है ना तेरे को कुछ? यार फूल ही तो मांगे,
मैंने कौन सा तुझसे कहा कि आसमान से तारे तोड़ ला। प्लीज यार। यार तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब आई मीन सब ठीक ठाक है ना? नहीं 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 आई थिंक यू नीड हेल्प। हाँ यार मैं तो ठीक हूँ, जाना यार फूल लेकर। देख यार कितने सुंदर फूल है यार। प्लीज यार प्लीज। क्या प्रॉब्लम है तेरे को यार? तू जाता कि नहीं? जाना यार। यार जाता हूँ, रुकना यार। तू क्या समझता है तेरा कड़ा जादू मंत्र इन लोगों को मुझसे बचा लेंगे? कभी नहीं बेवकूफ। लड़ने के लिए ताकत नहीं बल्कि ताकतवर दिमाग की जरूरत होती है। तांत्रिक तू मुझसे नहीं जीत सकता।